का चुनाव हो रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कि पिछली बार की तरह जयपुर जोधपुर और ये प्रमुख विश्वविद्यालय अपने हाथ से चले जाए दोनों के, तो किरकिरी हो जाएगी, कोई तीसरी ताकत खड़ी हो जाएगी राजस्थान के अंदर। इसलिए दोनों ने अंदर खाने बात करके चुनाव को बंद कराया। ये मूक सहमति, ये जो सहमति भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के किसी बड़े नेता का बयान, उनका जो संगठन है विद्यार्थी परिषद, छोटे छोटे मामलों में आंदोलन करता मुझे नजर आता है, लेकिन उस संगठन ने इस सत्संग चुनाव कराने को लेकर एक भी आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे जब ज्ञात हुआ कि बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, इन्हें बार बार कमिश्नरेट डरा धमका रहा, वहां पे छात्र संघों की स्वायत्ता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों की हमारी स्वायत्ता थी, एक जमाना था जब हम लोग अध्यक्ष हुआ करते थे, हमसे पहली पीढ़ी के जो अध्यक्ष थे, कहीं न कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आज अच्छे पदों पर बैठे हैं, कुछ सरकार में मंत्री है, और छात्र संघों ने देश को बड़े नेता दिए, कई स्टेट के मुख्यमंत्री छात्र संघों के माध्यम से निकले, और छात्र संघों के माध्यम से जो नेता जाते हैं बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं, काम करने का उनका स्टाइल होता है, और चूंकि वो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी में पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं और ये उनकी एक ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद जब विधानसभा लोकसभा के अंदर जाते हैं निश्चित रूप से उनका एक अलग जलवा देखने को मिलता है। इस जलवे की वजह से जो लोग बिना चुनाव लड़े बिना जीते हुए उनके मन में एक कुंठा हमेशा रहती है, यार ये तो प्रेसिडेंट था, ये कॉलेज का अध्यक्ष था। तो हमने तो इसके अंदर एक बात ये रखी थी कि तमाम संतन साथ आए और हम मिलके चुनाव राजस्थान में करवाएं। जब मैंने इनकी तबीयत बिगड़ती देखी, इन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं खुद गया और मैंने इनसे अपील की कि एक बार आप अपना आंदोलन समाप्त करें। इन्होंने मेरी बात मानी, दोबारा इन्होंने छात्र संघ के पूर्व अध्यक्षों का सम्मेलन कराया। दुर्भाग्य से उसमें 3-4 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ही आए, लेकिन आज मुझे नजर आ रहा है कि ज्यादातर लोग यहाँ उपस्थित नहीं है। कहीं कहीं चुनाव का समय, कोई सोच रहा है कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी, कोई सोच रहा है बीजेपी की मिल जाएगी, कोई ये भी सोच रहा है कि मैं काम करूं नहीं बस खाली मेरा नाम ही हो, तो नाम ही बिना काम करो मेरे पास तो हो नहीं सकता। आप भी जानते हो सारा जो सिस्टम में चलने वाला आदमी हो। मैंने बच्चों को रात को भी कहा, मैंने कहा हम बिना झंडे का आंदोलन राजस्थान के अंदर करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप लोग आगे रहेंगे और हम आप लोगों के पीछे रहेंगे, हम सरकार पे दबाव बनाएंगे कि चुनाव की घोषणा सरकार इस साल के अंदर करे और ये सरकार जवाब दे इस बात का। मुख्यमंत्री जी ने ये तो कह दिया कि चुनाव नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे मतलब परमानेंट चुनाव राजस्थान के अंदर नहीं होंगे। जब वसुंधरा चुनाव बंद कराए थे 2004 के अंदर, तब 2009-10 के अंदर हम चुनके आए, और मुझे याद है कि सबसे पहले मामला मैंने उठाया, बेल में धरना दिया, और जब मैंने एक घंटे का धरना दिया तो उस समय कांग्रेस बीजेपी के जितने भी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे एक एक करके धरने पे आ जाए कि कहीं फोटो में पीछे नहीं रह जाए, हनुमान अकेले को क्रेडिट मिले। मैंने देखा था विधानसभा के अंदर, तब सीएम ने बोला खड़े होके कि हम चुनाव करवा रहे हैं, हो गए चुनाव। उसके बाद जिस तरह चुनाव बंद किए, कई बार हाईकोर्ट चुनाव बंद कर देता, कई बार सुप्रीम कोर्ट बंद कर देता, अब की बार सरकार ये कह रही है कि हम जो सेमेस्टर सिस्टम देश की सरकार लागू कर रही है, मुझे आप बताएं शिक्षा जो है वो स्टेट का इश्यू है, ये केंद्र का इश्यू नहीं है। हर स्टेट अपने हिसाब से पाठ्यक्रमों में फेरबदल करता रहता है, हर स्टेट इसके लिए स्वतंत्र है, चुनाव स्टेट का हिस्सा है, वो चुनाव कराए कि नहीं कराए, पंचायत चुनाव कराए कि नहीं कराए, शासन चुनाव कराए कि नहीं कराए। लेकिन दुर्भाग्य से सेमेस्टर सिस्टम की बात उच्च शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। मैंने बात करी उनसे 3 बार, मैंने कहा आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो, कि मैं चाहता हूँ सेमेस्टर सिस्टम। मैंने कहा आपको पता भी है क्या कि 2020 में हो गया था सेमेस्टर सिस्टम का, तो फिर ये अभी तक चुनाव क्यों चल रहे थे। और जब सेमेस्टर सिस्टम की अपन बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो मोदी जी दिल्ली के अंदर बैठते हैं, इनके मानव संसाधन जो मंत्री है वो दिल्ली में बैठते हैं, जब DU के चुनाव हो रहे हैं घोषणा हो गई, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। ये इस ओर संकेत जाता है और ये शक पैदा करता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने मिलकर चुनाव इसलिए बंद कराए कि करारी हार राजस्थान के अंदर मिलेगी, इस बार ज्यादा निर्दलीय और ज्यादा तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार जीतेंगे तो चुनाव में किरकिरी नहीं हो जाए, जो मिला जुले का खेल 25 साल चल रहा है वो खेल हमारा खत्म नहीं हो जाए, इसलिए इन्होंने दूरी बना ली। अब जब हमने छात्र संघ का वो कार्यक्रम किया, इनका पूर्व अध्यक्षों का, मेरी कईयों से बात हुई, सबने एक ही बात कही कि हम इसके अंदर हम मिलकर साथ देंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज मैं देख रहा हूँ कि जो भी हमारे चाहे विधायक बने सांसद, और कैरियर ऐसे किसी का खत्म नहीं होता, और ऐसे पार्टियों में रहकर भी कैरियर जिंदा नहीं होता, कई लोगों को मैंने देखा सबका कैरियर थोड़ा ही बनता है, किसी न किसी को तो लड़ना होगा। अगर भगत सिंह ये सोच लेते कि मुझे फांसी होगी
तो भारत माता आजाद कैसे होती, तांत्या टोपे मंगल पांडे जैसे लोग ये सोचते हैं। हमें इस राजस्थान के लिए लड़ना है और मैंने ये ठान रखी है, पार्टी बना के संदेश दिया। और मैं इन छोटे भाइयों को तकलीफ में इसलिए भी नहीं देख सकता कि मेरी राजनीति राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई थी। मेरी राजनीति शुरुआत विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में हुई थी और उस जमाने में अध्यक्ष का बहुत बड़ा रुतबा होता था, राज्यपाल के बराबर चेयर लगती थी। मुझे याद है मालवीय नगर के अंदर जब रावण दहन का कार्यक्रम था, राज्यपाल के बगल में अध्यक्ष की कुर्सी लगी थी। लेकिन धीरे धीरे लिंगदो कमेटी लाके छात्र संघों को कमजोर किया गया। आज स्थिति ये हो गई कि छात्र संघ अध्यक्ष को जब चाहे वाइस चांसलर सस्पेंड कर देता है। अभी वर्तमान भी राजस्थान में जितने भी छात्र संघ चुने हुए शायद मई के अंदर इनके कार्यालयों पर रोक लगा दिए। आप चेक कर लें कि जब तक नया चुनाव नहीं होगा तब तक कार्यालय पे अध्यक्ष का ही वो रहता, अध्यक्ष ही उस कार्यालय के अंदर अध्यक्षित करता है, वो कामकाज करता है लोगों के। नए जो जुलाई अगस्त के अंदर बच्चे आएंगे चुनाव से पहले उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि सरकारों को इसके अंदर मजा आने लग गया, पूरा इंटरफेरेंस सरकार ने कर लिया। कायदे से तो कुलाधिपति गवर्नर इन विश्वविद्यालयों के मालिक होते हैं, लेकिन जब कमजोर गवर्नर आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, सिर्फ पढ़ गया आप कागज और सुन ले। कई जगह हमने गवर्नर देखे तो मुख्यमंत्री के सामने हो जाते हैं, हमारे गवर्नर साहब को तो बयान देते हैं उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा होगी, तो क्योंकि ज्यादातर गवर्नर जो बनाते हैं वो 80 पार के ही बनाते हैं, एक ले जाके बिठा दो जो राजनीतिक से हटाना तो उसको गवर्नर बना के बिठा दो। अब मैंने तो एक बात ये भी कही थी कि गवर्नर के पद और ये भी फालतू के पद है, कितना खर्चा होता है इनका बताऊ, इनका चाय नाश्ता खाने का जब हिसाब किताब देखोगे ना, हमारी जो हर चीज आप ले आते हो जब गवर्नर, और इनका काम क्या होता है, सरकार जो लिख के देगी पढ़ना है और खुद ही पढ़ लेगी सरकार पर, जब यही काम रह गया तो जो डाके का काम करते हैं गवर्नर, तो गवर्नर का पद भी हमने ये कहा कि गवर्नर का पद नहीं होना चाहिए, ये फालतू का खर्चा है। प्रधानमंत्री जी आप खर्चे कम करने की बात कर रहे हो, हमारे सांसदों का तो आपने 2 साल का 10 करोड़ रुपए काट दिया कोरोना के नाम पे, तो क्या उससे कोरोना मिट गया क्या देश के अंदर? सांसद विकास कराने के लिए जाएगा तो उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कहां से कराएगा बताएं मुझे। लेकिन फिर भी हम लड़ाई लड़े। प्रधानमंत्री जी मेरी अपील है आपसे कि गवर्नर का पद खत्म करें, फालतू के जितने भी पद है जिनको कोई लेना देने उनको खत्म करें। आपको वैसे ही शौक है कि भाई आप 2 ही लोग रहे देश में तो हो जाएंगे, फिर ये करना चाहिए क्योंकि बिना काम से गवर्नर बैठे। मैं इसके अंदर विशेष रूप दिया करूँ इन सब छात्र नेता जो बैठे हैं ये भी अपनी अपनी बात बारी बारी देखिए, मैंने अपनी बात सब लोग रखी। पहले मैंने इसलिए रखी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इनको सपोर्ट मैं कर रहा हूँ, मेरी पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जी जान से इनके साथ खड़ी है। मैंने इनको ये भी पूछ लिया कि अगर आपको ऐसा लगे कि हनुमान जी के झंडे से किसी को तकलीफ है तो मैं बिना झंडे के आपके साथ आ सकता हूँ, और आपको लगे कि झंडे के साथ आंदोलन करना है तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं तैयार हूँ। मैं पूरी ताकत के साथ राजस्थान में अभी हम जो घोषणा कर रहे हैं या अभी हम तारीख की घोषणा करें एक मिनट बाद कि हम पहले जितने भी संभाग मुखिया ने राजस्थान के उसमें यहाँ जो टीम बैठी है कुछ प्रमुख जो चेहरे इनके छात्र नेताओं के, तो ये प्रमुख चेहरे राजस्थान में एक यात्रा की शुरुआत करेंगे, प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से। और जितने भी संभाग मुखिया ने राजस्थान के बड़े विश्वविद्यालय हैं बीकानेर अजमेर जोधपुर कोटा उदयपुर भरतपुर सीकर अलवर जहां यूनिवर्सिटी है वहां मैं भी अगर इनकी इच्छा होगी तो मैं भी चाहूंगा व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थिति करूं, छात्रों की रैलियां वहां पे नौजवानों की रैली हो, सरकार पर हम दबाव बनाए कि छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है, छात्र संघ चुनाव बाल करो। उसके बाद जयपुर राजधानी में 1 लाख से ज्यादा छात्रों की बड़ी रैली हम आगामी दिनों के अंदर करेंगे, उसकी तारीख की घोषणा मैं अभी करूंगा। उससे पहले एक एक मिनट ये लोग अपनी बात रखेंगे। मैं फिर आरोप लगाता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर छात्र संघों को कुचलने का काम किया है, वो राजस्थान की युवा शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी, राजस्थान का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा और सबक सिखाएगा दोनों पार्टियों को। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयान तो देना चाहिए, कम से कम उनके संगठन को एक दो जगह प्रदर्शन करके, और नहीं तो एंट्री तो अपनी जानी चाहिए कि हम भी आपके साथ हैं। कुछ नहीं बोल रहे, चुप बैठे हैं, मजा देख रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं आपने देखी होगी, महेश जोशी का मामला था, बीजेपी चुप हो गई, एक बीजेपी के नेता का बयान नहीं आया। प्रताप सिंह के मामले में एक नेता का बयान नहीं आया, परिवहन घोटाले का मामला हुआ, या मैंने ऐसे कई बजरी का मामला आप देखिए, मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चला और उसकी परिणति ये हुई कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, आज हमारा जवान नशे के अंदर डूबा जा रहा है, नए नशे राजस्थान के अंदर जिस तरह पंजाब
हरियाणा राजस्थान, पहले तो शराब जो हरियाणा से राजस्थान होकर गुजरात जाती, आज एमडी इसमें जो नशीले आपकी दवाइयां, नशीले इंजेक्शन जिस तरह बढ़ रहे हैं, जिस तरह नौजवान खत्म हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है ये 25 साल की व्यवस्था। और जो आरोप 2008-09 में मैंने लगाए बीजेपी में रहते हुए कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए, अशोक गहलोत ने खुद ये कह दिया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, इससे बड़ा मिला जुला के खेल राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता। और अब आप देख सकते हैं कि बच्चे टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कोई तो आए जो हमारी मदद करे। मैं इनका भाई हूं और मैं हमेशा इमोशनल देखिए दिल से राजनीति करता हूं, दिमाग से मैंने राजनीति नहीं की, इसलिए इनके बीच वापस इनके बुलाव पाया हूं। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार से चुनाव करा के ही दम लेंगे। आज तक तो हमने जो चाहा वो राजस्थान में हुआ, चाहे बजरी माफिया हो, उसकी दरिया दुकानें भी समेट दी, ईडी दफ्तर की जांच का मामला तो जल्दी उसका भी हम बीच में ही कर लेंगे, ईडी के अंदर वो कागज जाएंगे सारे जिनमें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किस तरह बजरी माफिया के पार्टनर के रूप में किस तरह 7 स्टार होटलों के अंदर इसके साथ रुकते हैं, जो काम कर रहे हैं। जिस तरह ईडी की एंट्री तो होती है, सीबीआई की एंट्री होती है, लेकिन बाद में क्या होता है? कलाम कोचिंग पे आ गई ईडी, हुआ क्या? हो जब हो, एक तो आके किसी को बदनाम करना और अगर मुलजिम है तो उसको पकड़ो, ये जनता जवाब चाहती है। ईडी सीबीआई अपन भी कहते हैं सीबीआई जांच करो, कोई घटना घट जाती है इसकी सीबीआई जांच करो, अरे सीबीआई जांचे तो कई दे दी। लेकिन मेरा एक सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि आधी से ज्यादा सीबीआई जांचें पेंडिंग है और क्लीन चिट दे दी। तो जब सीबीआई ईडी ऐसे करने लग जाएगी तो भरोसा किस में रहेगा, बताया मुझे कि भरोसा उठ जाएगा? जिस तरह छात्र नेताओं का भरोसा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उठ गया और इनका भरोसा विश्वविद्यालय के उन अध्यक्षों से जो लंबी चौड़ी डींग हाँकते हैं, जो लंबे चौड़े भाषण देते हैं, हम विश्वविद्यालय से विधानसभा की ओर चले चले से, अब क्या कर रहे हो तुम लोग? ये बच्चे तकलीफ में आ जाओ ना इनको संभालने। मैं तो हूं ही, मैं तो इनके साथ हूं, मैं तो ये भी कह दिया था कि उन लोगों के साथ भी बैठ जाऊंगा जिन पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अगर ये बच्चों के चुनाव का मामला हो तो मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी सहित तमाम वो दल जो इसके अंदर हमारी मदद करें, हम सब मिलकर लड़ाई राजस्थान के अंदर, कई लड़ाइयां मिलकर लड़ी जाती है, जिस तरह कोविड की लड़ाई थी वो मिलकर इस देश ने लड़ी, प्रदेश ने लड़ी, तो इस लड़ाई को मिलकर लड़ने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से आज वो लोग नहीं आए, अगर उनकी जमीर जिंदा है तो आगामी दिनों में वो हमारे साथ खड़े मिलेंगे। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज का चुनाव हारने से काफी परेशान है। एक बार हमारे बात चल गई थी नापक्ष लोबी में, तो मैंने कहा साहब आप मन नहीं पाए थे, हाँ रह गए थे थोड़े बहुत, उस बात से इनको ये बार बार ये बात है, जब यूनिवर्सिटी का कोई अध्यक्ष दिखता था उनका, तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा एक बार आदमी को अपने मन की निकालनी चाहिए, अभी सारी मन की निकाल रहे हैं, तो बीजेपी है नहीं, कांग्रेस अपनी चाहे जो रेवड़ियां बांट रही, तो एक आदेश मुख्यमंत्री जारी कर दे कि राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष खुद होंगे, क्या दिक्कत है? कम से कम मन की तो निकल जाए, इसी वजह से बच्चों को तकलीफ नहीं हो। ये उनकी पीड़ा जरूर हमेशा रहती है और ये पीड़ा बीजेपी के कई नेताओं के भी, ये वसुंधरा जी की भी पीड़ा है, वो अध्यक्ष मेरी यूनिवर्सिटी की, पीड़ा उनके मन कहती जरूर है कि मैं भी पॉलिटिक्स, मैडम आप भी पॉलिटिक्स में थे क्या पहले? कर हाँ हाँ मैं भी थी, कहाँ थी? बोले नहीं मैं ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेट किया, पार्टी अध्यक्ष थी क्या? कहेंगे अध्यक्ष थे, ये मन में जरूर आता है हम भी छात्र संगठन थे, और मन में तो आता है, मन करे तो सपना तो हर कोई ले सकता, पूरे होक नहीं हो, लेकिन मैं इन बच्चों के साथ हूँ और हम इस तारीख की घोषणा करेंगे। जयपुर आपके समय पर लिंगदो कमेटी नहीं थी, लिंगदो कमेटी को अगर हम सरकार के अंदर आए तो हटा देंगे लिंगदो, ये लिंगदो का मजाक है क्या? बच्चों का खेल है, हम नया बिल लेके आ जाएंगे राजस्थान की असेंबली के अंदर, चुनाव होंगे परमानेंट होंगे, उनके लिए अलग आयोग बन जाएगा शासन में, जिस तरह पंचायत चुनाव। हाँ अब युवा शक्ति तो राजस्थान के साथ में आप देख रहे हो, लेकिन मैं युवा शक्ति के साथ हूँ हमेशा, मैं युवाओं के मुद्दे उठा रहा हूँ, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, अपराध, जहां भी अपराधी सर उठाता हनुमान बेनीवाल और उसकी टीम पहुंच जाती है उसका सर कुचलने के लिए, चाहे अपराधी की जाति कोई सी भी। हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं कि इनको निपटाएं, हमारा मकसद है कि राजस्थान में परिवर्तन करें, क्योंकि हमारे बाहर के जो राज्य हैं आस पड़ोस के आप देख लें, हरियाणा पंजाब से लेके तमाम 25 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां राज कर चुकी है या सेकंड थर्ड पोजिशन पर है, आगे राजस्थान के गीत गाए जाते हैं वीरों की धरती सूरों की धरती, तो वीरता कब कब आएगी? ये बच्चे हैं, नौजवान ही बदलाव करेंगे, इन्होंने ठान लिया कि हम नई ताकत खड़ी करेंगे राजस्थान के अंदर, और चूंकि पहली पार्टी बनने का सौभाग्य मुझे मिला
पार्टी बना के दिल्ली जाने का सौभाग्य मुझे मिला। तब कई लोग ये कहते थे ये तो मोदी की गोदी में बैठ गया। जब किसान तकलीफ में आया तो जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी आरएलपी के सांसद ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के इस एनएचआर को जाम किया और किसान बिल वापिस करवाए। और अग्निपथ में जब सेना को ठेके पर दिया तो देश का एक सांसद जिसने अग्निपथ का विरोध किया और जोधपुर में 2,00,000 जवानों की रैली करके ये संदेश दिया कि देश के जवान किसान तकलीफ होंगे, उसमें हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के कभी भी सड़क पर आ सकता। और ये छात्र संघ अगर संकट पे आ गए, छात्र संघ और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल हमेशा अपने छोटे भाइयों के साथ इनके सम्मान में इनको आगे बढ़ाने के लिए छात्र संघों के माध्यम से इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली स्थिति को समाप्त नहीं होने देगा। ये मैं नहीं अभी क्या इस पर नहीं किस चीज के लिए पहले क्या पद मिला था जैसे पायलट को पहले भी कोई पद नहीं मिला था। उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता, वो सीएम की बात करते थे और वसुंधरा 3 बार सीएम रहे थी ताप नहीं रही क्या पहले ये बताओ। 2-3 एक बार ही होता सपना, एक बार चीफ मिनिस्टर रहे मैं किस नहीं मैं वो तो चले गए ना, अब कहाँ से करना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं करूंगा। शोषित पीड़ित दलित या जवान की बात करने वाली ट्राइबल की बात करने वाली अगर कोई पार्टियां गठबंधन करना चाहेगी तो हमारे रास्ते उनके लिए खुले हैं और कोई नहीं करेगा। देखिए कैलाश जी की मैं कैलाश जी के साथ लंबे समय से था तो वसुंधरा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्होंने, लेकिन उन्होंने चूक कर दी। उसमें 5,000 करोड़ का था, मैंने ही बताया कि उनका 22,000 करोड़ का हुआ, हम साथ ही थे दोनों। लेकिन बाद में कैलाश जी के बाद वसुंधरा जी के साथ उनका वो हो गया था। वो आरोप तो सच्चे लगाते हैं, बस इतना ही वो बाद में साथ रहते हैं। ये अगर आरोप लगाए तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी इसके अंदर, मुझे ऐसा नहीं, तो बिना उसके पत्र नहीं लिखते। हाँ लेकिन बाद में क्या होता है कि उनको ज्यादा करते हैं तो फिर वसुंधरा जी से समझौता उन्होंने कर लिया था, विधानसभा अध्यक्ष बन गए थे। देखिए राजस्थान में लंबी लड़ाई तो कोई नहीं लड़ पाया, सब शरणम कच्छा में हो गई। मेरे साथ भी बहुत बड़े नेता थे, मेल की महारानी कहते थे, वो सब वहीं बैठे हैं। एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, आप ये बात क्यों नहीं कह रहे कि लड़ाई एक ही आदमी लड़ रहा है। पार्टी बना के और लंबी लड़ाई लड़ना लंबे समय तक, तो वो तो एक ही व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी। और कैलाश जी ने जो आरोप लगाए वो तो कोई आरोप में सच्चाई होगी जब ही पत्र लिखेगा। ऐसे तो कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों पत्र लिखेगा बताओ मुझे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता सर, कोई ऐसे लगवाया नहीं जाता। आरोप तो अब मान लो मेरे पे कौन लगा रहा, नहीं लगा रहे लोग ऐसे आरोप लगाते हैं वो तथ्यहीन आरोप होते हैं, वो तो वापस खत्म हो जाते हैं। जब हम बैठे हैं काजल की कोठरी के अंदर, आपको पता है सरकार गिराने से लेके गिरने से लेके चुनाव भी हुए सारे, आप सब एक एक चीज से जानते हो कि आरएलपी कहाँ थी, हम कहाँ थे। आरोप उन पे लगते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ करता होगा, तभी तो आरोप लगे। कोई नहीं करेगा उस पे कहाँ से आरोप, हमारे पे तो नहीं लगे आरोप। अगर आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। और वो तो अशोक गहलोत ने खुद कहा ना कि मैंने 2009 में आरोप लगाया, तब आप लोग नहीं मानते थे, तब आप लोग कहते हनुमान बेनीवाल ऐसे ही कर रहा होगा। तब अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, कह दिया ना, अब उससे ज्यादा किससे कहलाओगे। सीएम कह रहा है मेरी सरकार उससे ही 7-8 एमएलए वसुंधरा जी अशोक गहलोत को दिया। उनको ठीक करा देंगे, खराब निकले तो उनको ठीक करा देंगे। मैं ये बता रहा हूँ इनका तो काम है वोट कैसे मिले, आप समझो रेवड़ियां बांटना, वोट लेना, इनका मकसद एक वोट मिल जाए बस। देखिए अशोक गहलोत 2 चीज में कामयाब हो गए, एक तो सचिन पायलट का ऑपरेशन करना था वो तो परमानेंट कर दिया, तो ये उनकी जीत हो गई। वो अपने आप में बहुत खुशी से महसूस, हर आदमी कहता है बताओ पायलट का ऑपरेशन किया कि नहीं किया, तो कर दिया। और चूंकि उन्होंने क्या किया, वो खुद ही कर लिया। उन्होंने कहा तो माने सर गए, बड़ी बड़ी बात करी, मैं आज सीएम बन के आ रहा हूँ, अपने लोगों का मैं 15 दिन बाद आ रहा हूँ, किसी का कहा हूँ कॉफी सीएम हाउस पियेंगे अपने साथ, कहाँ कॉफी पी ली क्या सीएम हाउस के अंदर बताओ मुझे। तो ऐसा करके खुद ही उन्होंने अपनी मटिया मेट करा ली। अगर वो निकल के आ जाते पार्टी से सचिन पायलट तो आरएलपी और वो मिला के 100 सीट राजस्थान में लेते। लेकिन देखो ये समय किसी के साथ नहीं चलता, ये समय अपने हिसाब चलता है। जो एक बार व्यक्ति अपना ट्रैक टूट जाता उसकी वो भी हर जाना उसका भुगतना पड़ता है। निकल चुका समय, निकल सचिन पायलट का समय निकल गया, तभी तो देखो ना जवानों पैसे की तो उन सीमा पे कोई बात नहीं होती, जबकि जिस तरीके से आज हम जयपुर की सड़कों को देखें तो
हर 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 सड़क पर आपको मुख्यमंत्री जी की पोस्टर मिल जाएंगे, तो उनकी भी कुछ सीमा होती है और उस सीमा के बारे में कोई बात नहीं करता है। कहीं ना कहीं इसका महत्वपूर्ण रीजन ये है कि जिस प्रकार से पांच छह चुनाव से लगातार हर विश्वविद्यालय में निर्दलीय अपना दबदबा बना रहे हैं और जिस प्रकार से एनएसयूआई और एबीपी दोनों ही जो छात्र संघ की कुर्सी पर है नहीं बैठ पा रही है, कहीं ना कहीं विधानसभा के आने वाले चुनाव में इसका बहुत बुरा परिणाम होता कि अगर एनएसयूआई इस बार के छात्र संघ चुनाव हारती तो, क्योंकि वो हार का सामना नहीं करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिस कारण की बस उन्होंने इस बार छात्र संघ चुनाव रद्द करवाए हैं, तो हमारी उनसे अपील है कि समस्त युवा जागरूक है, जो आपने किया है वो हम सभी देख रहे हैं, और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करा जाना चाहिए, अन्यथा जो युवाओं का जो आक्रोश है आपके प्रति, जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसमें अवश्य ही देखने को मिलेगा। शुभम रेवाड़, छात्र प्रतिनिधि, राजस्थान विश्वविद्यालय। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमने गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन है वो करके देख लिया, ना तो राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन ना राजस्थान सरकार की तरफ से हमारी बात को सुनने के लिए तैयार है। अब आगामी दिनों में राजस्थान में छात्र आक्रोश रैली के रूप में बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में सारा युवा सड़क पे उतर के ये दिखाएगा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और हम जब तक लड़ेंगे जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। मैं मोहित यादव, छात्र प्रतिनिधि, राजस्थान विश्वविद्यालय। जैसे सरकार ने हमारे ऊपर छात्र संघ चुनाव बंद करवाने का आदेश सौंपा, लिंगदो कमेटी का हवाले देखे आपके सामने मैं एक आरटीआई निकलवाई है कल डीएसडब्ल्यू से, ये आप सबको अवेलेबल करवाऊंगा। पिछले 3 सालों का इसमें लेखा जोखा है, कहीं भी डीएसडब्ल्यू ने और लिंगदो कमेटी ने किसी भी छात्र नेता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी, कोई भी उस पर लीगल एक्शन नहीं लिया गया। ये सरकार का कर्मचारियों का फेलियर है, इसके ऊपर हमारे ऊपर थोपना, चुनाव होने के टाइम पे वो डेट कैंसिल करवाना, तो हम सरकार के खिलाफ बड़े भाई साहब हनुमान जी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे और जल्दी से जल्दी छात्र संघ चुनाव करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने संघर्ष की घड़ी में हमारा साथ दिया। दो ही लोग थे जिन्होंने संघर्ष की घड़ी में हमारे साथ दिए, एक तो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल और एक समस्त मीडिया कर्मी जिन्होंने हमारे संघर्ष के समय आप खड़े रहे। सरकार ने एक कह के चुनाव बंद करा दिया, लिंगदो कमेटी की सिफारिश से लागू नहीं हो पा रही है, तो कल को यह सरकार ये भी कह सकती है कि राजस्थान सरकार का प्रशासन हमसे नहीं संभल पा रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन बातों को लागू कराया जाए। दूसरी मेरा कहना है कि नई शिक्षा नीति है उसको लागू कराना है हमारे को, इसके कारण चुनाव नहीं हो पा रहे। कल देखिए कलेक्टर महोदय ने हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की ड्यूटी इलेक्शन में लगाने के जा रहे हैं, इस बात को आप देखिए सरकार का दोहरा रवैया देखिए, उन प्रोफेसरों को अगर आप चुनाव में ड्यूटी लगा रहे हो वो लोग कहाँ जाएंगे। एक बात तो आप कह रहे हो कि उनको पढ़ाने में नई शिक्षा नीति लागू कराएंगे, एक तरफ आप उनको अपने चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा रहे हो, इनका दोहरा नीति है। हम लोग तो मेरे को अजमेर संभाग की जिम्मेदारी मिली है, संभाग स्तर पे जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, सरकार के खिलाफ एक विरोध का माहौल पैदा करेंगे, क्योंकि अगर ये हमारे हकों का आनंद कर रहे हैं तो हम भी इनको आसानी से कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, क्योंकि हमने साल भर यहाँ तैयारी करी है, उसके बाद में अगर हमारे साथ ऐसा करते करते हैं तो सरकार के खिलाफ भी हम विरोध का माहौल बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीरज किचड़, छात्र नेता, राजस्थान विश्वविद्यालय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन राजस्थान सरकार ने ये काला कानून युवाओं के लिए पेश किया, उस दिन से आज लगभग 14-15 दिन हो गए हम राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, पर राजस्थान सरकार और जो राजस्थान सरकार के दो नुमाइंदे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब भी हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे उस दिन से सिर्फ इस राजस्थान की सरकार के द्वारा हमारे पास कोई नहीं आया, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हमारे पास कोई नहीं आया। उस दिन सिर्फ राजस्थान सरकार में बड़े भाई साहब जो सरकार के खिलाफ चलते हैं वो हनुमान जी बेनीवाल हमारे पास आए, हमारे छोटे भाइयों का ध्यान रखा, और हम राजस्थान सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि इतने दिन अनिश्चितकालीन धरने के कारण हम यहाँ व्यस्त व्यस्त रहे, पर हम बताना चाहेंगे अब जिस दिन भी हमारी दिनांक घोषित होगी उस दिन इस प्रदेश के पूरे युवा इस राजधानी में उतरेंगे और सरकार को अपने घुटनों के बल पर खड़ा करके और प्रदेश में बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में छात्र संघ चुनाव की घोषणा करवाएंगे।
नमस्कार पत्रकार मंडल, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विक्रम, मेरा नाम है एसएफआई जयपुर। हम छात्र संघ चुनाव करवाने को लेके लाभवन है और जो लिंग दो कमेटी है उनकी सिफारिश लागू की हुई है। आज 15 साल हो गए लेकिन उनमें आज तक तो कोई संशोधन नहीं हुआ। हम इसी आंदोलन के जरिए उसको भी संशोधन करवाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम आमिर खान शेखावटी है, राजस्थान विश्वविद्यालय से। लगातार छात्रों की हेल्प करने के लिए हम आज से 7-6 साल हो गए हमारे को, और ये उम्मीद थी कि इस साल चुनाव होंगे, लास्ट में आके अगस्त में ये चुनाव बंद कर दिए गए। हम सरकार से अपील करते हैं कि ये छात्र संघ चुनाव बहाल करे। वो बड़े भाई हनुमान बेजवा के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है और हम ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इनके साथ हमेशा खड़े रहे। मैं दिव्यांशी खंडेलवाल महारानी महाविद्यालय से अध्यक्ष पद त्यागी। जैसा कि आप सबको पता है कि 12 अगस्त को देर रात एक काला फरमान जारी करा गया जिसने हमारी रातों की नींद उड़ाई। उस दिन से आज तक हमें याद नहीं है कि कभी हम चैनवीन हुए हैं, और मैं नहीं, मेरे सारे बड़े भाई और हनुमान जी सर ये तो हमारे साथ में जैसे खड़े रहे। हम इनका जितना शुक्रिया करें उतना शायद कमी है। यहाँ पे बात हो रही है एजुकेशन पॉलिसी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज सितंबर, अभी 2 दिन बाद सितंबर स्टार्ट होने को आया, क्या विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसीजर पूरा हो चुका है, क्या क्लासेस स्टार्ट हो गई है? अगर आप हमारा फोन चेक करेंगे तो एक बड़ी सी लिस्ट तैयार है बच्चों की, कितनी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, जिसे हमें ये स्कॉलरशिप का ये कब होएगा। यहाँ पे हमारे कॉलेज में महारानी महाविद्यालय का तो गेट ही बंद हो चुका था जब ये जो प्रदर्शन चल रहा था, उस टाइम पे 3 दिन तक महारानी का गेट बंद था, फॉर्म गेट के बाहर से वो लोग जमा कर रहे थे। तो अगर सिर्फ चुनाव ना होने के सिर्फ घोषणा से अगर ऐसा हाल है तो अगर चुनाव सच में नहीं होते हैं तो शायद विश्वविद्यालय का गेट बंद ही हो जाएगा परमानेंट। तो बस हमारा यही सबसे आग्रह है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करें जितना जल्दी हो सके, और हम जिस लेवल तक हमें जाना पड़ेगा हम उस लेवल तक जाएंगे और छात्र संघ चुनाव बहाल करवा के रहेंगे। 14 सितंबर और भी लड़के बुलाओ, 14 सितंबर को जयपुर के अंदर 1 लाख से ज्यादा छात्र राजस्थान की सरकार को घेरेंगे। उससे पहले तमाम जो विश्वविद्यालय राजस्थान के बीकानेर से लेके अजमेर, जोधपुर से लेके कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, आपका सीकर, तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर अगर मेरी आवश्यकता पड़ी तो वहां उन संभाग मुख्यालयों पर मैं उपस्थित दर्ज कराऊंगा, और ये सारी टीम प्रत्येक कॉलेज के अंदर जाएगी, और ये 1 लाख से ज्यादा छात्रों का जो आंदोलन होगा, जो रैली होगी, ये आज तक की सबसे ऐतिहासिक रैली होगी, और उस दिन हम सरकार के घुटने टिकवा देंगे। जयपुर के अंदर रैली का स्थान विद्यानगर नगर स्टेडियम में भी बात हुई थी, क्योंकि 1-2 जगह खाली स्थान नहीं मिला था और हमें तारीख भी उस हिसाब से लेनी थी। आगे चुनाव भी, विधानसभा के चुनाव भी हैं, आप देख रहे हैं अलग अलग समाजों के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो 14 सितंबर विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर 1 लाख से ज्यादा छात्र और जवान इस गहलोत की गूंगी बेरी सरकार को झुकाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की जो मौन स्वीकृति है ये जनता के सामने लाएंगे। ये हमारी रैली की तारीख। एक सेकंड का ले लो, बच्चों बोलते जाओ, फिर खाना हो जाए, बोलो आप। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यो आप और भाई साहब हैं जो हमारी आवाज उठा रहे हैं, इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। मेरा नाम विजयपाल कुड़ी, मैं छात्र प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय। 14 तारीख ने हमने घोषणा करी है भाई साहब ने कि 14 तारीख को 1 लाख से ज्यादा नौजवानों की रैली राजस्थान में होगी, जिस रैली के माध्यम से हम राजस्थान की सरकार को झुकाने का काम करेंगे। आप उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।